तो दोस्तों, जिस तरीके से मोमिन मलिक सर भगोड़े के पीछे पड़ चुके हैं और कानून का डंडा भगोड़े के पीछे ऊपर बज चुका है और भगोड़े अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर पाकिस्तान भागने की तैयारी कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि पाकिस्तान से एक इसका बहुत क्लोज ब्रो, बहुत क्लोज जो दावा कर रहा है कि गुलाम हैदर से भी ज़्यादा मेरा इससे रिश्ता है, तो वो व्यक्ति अब इंडिया आने वाला है और भगोड़े के खिलाफ यहाँ पे बयान देने वाला कोर्ट में। जैसा कि आपने कल देखा, इसने कानून की धज्जियाँ उड़ाते मोमिन मलिक सर पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, उसके एवज में अब इस पर कानून की लाठी चल चुकी है, चारों तरफ से घिर चुकी है। अब ये उस चक्रव्यूह से निकलना इसका नामुमकिन है, ये उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं सकती। इसलिए अब ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के पाकिस्तान भागने की तैयारी में है और पाकिस्तान में जो इसका दोस्त है वो भी इसे रखने को तैयार नहीं है। सोचिए, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि धोबी का कुत्ता बन जाते हैं ना घर के ना घाट के, तो हमारी स्थिति क्या रहेगी। आज भी बड़ी लाइव आई थी, ज्यादा तो मैंने नहीं देखा, इसका थोड़ा लाइव देखा, थोड़ा सा इसके जो कल वाला वो था ना वो डाउन था, क्योंकि इसको पता चल चुका है भारत इसके विरोध में खड़ा हो चुका है। जिस तरीके से भारत में बैठकर भारत की धज्जियां उड़ा रही है, बेशर्मी फैला रही है, यहाँ पे गंद मचा रही चारों तरफ, आज थोड़ा सा डाउन था। लेकिन साथ में इसकी जो इनलीगल जेठानी जिसे कहती है लप्पू की बड़ी लप्पू की भाभी तोतली, मतलब लप्पू के खानदान में जितने भी तोतले हैं, लप्पू तोतला है, लप्पू की वो भाभी अंजलि वो तोतली उसका थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आई थी। अरे बेशर्म, थोड़ा सा शर्म कर लो, कानून का डंडा बज चुका है, धारा पे धारा लग चुकी है, तुम लोग अपनी शर्म नहीं छोड़ते। इसी को कहते हैं ना अनपढ़ और पढ़े लिखों की बात। अगर इनकी बुद्धि में थोड़ा सा समझ होता है, थोड़े से पढ़े लिखे होते, इनको कानून का पता होता, तो शायद इतनी बेशर्मी नहीं करते। अब लप्पू थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा क्या, बहुत डरा हुआ नजर आ रहा है लप्पू, बैक साइड से थोड़ा हाई करते हुए नजर आया। लेकिन इसकी जेठानी अब भी नाच रही है क्योंकि उसका चैनल टर्मिनेट हो गया, इसको पता ही नहीं है चैनल टर्मिनेट करने वाला कौन है, ये ही खेल खेल रही है, ये भगोड़ी यही खेल खेल रही है कि भाई इसका चैनल इसने पहले टर्मिनेट करवा दिया। अब इसको पता है, इसको पास लाने के लिए, इसको पकड़े रखने के लिए ये मेरे पैरों में दबी रहे और मैं इस पर राज करती रहूं, तो उसकी भाभी को इसने फंसा रखा अपने सिकंजे में, ये दोबारा उसका प्रमोशन करने के लिए उसको ला रही है जबरदस्ती, क्योंकि लप्पू का परिवार आएगा नहीं ना, लालच तो है, कुट कुट कर भरा है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, पैसा, अब चैनल नहीं रहा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो भगोड़ी ने एक नया गेम खेला कि उसका पहले चैनल टर्मिनेट करवा दिया, अब उसको चैनल का लालच देके उसको जबरदस्ती अपने चैनल पे ला रही है। और मोमिन मलिक सर का डंडा जिस तरीके से बच चुका है, आज कई धारा फिर लगी। एपी सिंह का लाइसेंस कंसील कराने के लिए बार एसोसिएशन में मोमिन मलिक सर ने लिखित में दे दिया है। जैसा ये कहते हैं कि उनका पिछला ये था, उनका वो था, ये जो निकाल रही है ना मोमिन मलिक सर की डिटेल, तो उस पर सफाई देने की सर आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें पता है जो इंसान सच्चा होता है वो सच्ची एक ही बात कहता है, उसे भाषणबाजी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा इसका भाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति का कैंसिल होना ही चाहिए लाइसेंस, क्योंकि समाज की जो छवि खराब कर दे, जो इतने बड़े पद में होने के बाद उसका दुरुपयोग करे, सामाजिक गंदगी को बढ़ावा दे और बच्चों के साथ गलत करे, पास्को एक्ट जिस पे लग गया धर्म परिवर्तन कराता, ऐसे व्यक्ति का 100% लाइसेंस कैंसिल होना ही चाहिए। फिलहाल लप्पू का घर का आता पता नहीं है, नेत्रपाल गायब है, उसकी माँ गायब है, कई गायब है, क्योंकि मैंने सुना कि इसकी माँ जो है इसके साथ मिली हुई थी और इसकी लप्पू की बहन भी सीमा हैदर से जब वो पाकिस्तान में थी तब से बात करती है। मतलब भारत में इस घुसपैठियों को लाने का लप्पू के परिवार में इसकी बहन और इसकी जो ये माँ है इसका भी हाथ है। नेत्रपाल तो शायद आया होगा उसके बाद पता चला होगा, लेकिन इसकी माँ और बहन का पहले से हाथ है, मतलब ये भी घुसपैठियों को बढ़ावा देने में माहिर हैं। इन लोगों ने भी अपने देश में घुसपैठियों को घुसाया। जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार यहाँ पे कर रही गंदगी, अब इस पर कानून का डंडा बज चुका है। और जो भाई बहन कहते हैं दीदी ये कब जाएगी, हम कब सुनेंगे खबर कि ये गिरफ्तार कब होगी। चुनाव का माहौल है, बहुत ज्यादा इसने गंदगी फैलाई है, बहुत ज्यादा इसने आक्रामकता फैलाई है, चारों तरफ से सिकंजे इस पर कस चुके हैं और सब लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं। सब अब अलग अलग अपनी अपनी तरीके से लिखित में भी कंप्लेन दे रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ मोमिन मलिक सर हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसे पिता के लिए लड़ाई लड़ रही है जो अपनी बच्चों की मांग रख रहा है। कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क का व्यक्ति अगर हमारे देश से गुहार लगाता, हमारी सरकारों से रिक्वेस्ट करता है, कानून की लड़ाई लड़ता है, तो हमें उसका
सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई हमें कोई दुश्मन देश या कौन सा देश, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारी सरकारें तय करेंगी, हमारा कानून तय करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर गुहार लगाई, अपने बच्चों की मांग करी है, एक औरत गलत करके आ गई, जब हमारा कोर्ट साथ दे रहा है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने देश के बहुत, अपने देश से हमें बहुत प्यार है और हम अपने देश के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अगर हमारे देश में ऐसी इनलीगल एक्टिविटी होती है तो उसे रोकने के लिए हमारे पूरे समाज को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज से ही हमारे देश का जो है विकास निर्भर करता है। अगर हम छोटे छोटे व्यक्ति अपने देश में छोटी छोटी गतिविधियां करेंगे, अपने ही देश में गलत चीजें करेंगे, तो हमारी सरकारें जो ऊपर बैठी हुई है, जिनको पूरा देश संभालना है, वो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आपस में अशांति और इस तरह की प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, तो भाई हम अपने देश के लिए कभी भी नहीं हो सकते हितैषी। अपने देश के हमेशा गद्दार ही ऐसे करते हैं, जो देश में छोटे छोटे फूट डलाते हैं, छोटे छोटे कारनामे करते हैं। कहीं ना कहीं भगोड़े का भी यही कारण है कि देश में आके छोटी छोटी लड़ाइयां लड़वाना, आपस में हिंदू मुस्लिम कराना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कराना, दुश्मन देश कहना, जो तमाम चीजें की है उस पर शिकंजा कस चुका है मोबिन मलिक सर ने, कानून का डंडा बजा दिया है, कानूनी फाइट शुरू कर दी है। मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे आएंगे और ज्ञान देने यहाँ पे कहेंगे, जब कानून काम कर रहा तुम कौन होती बोलने वाली। हम स्वतंत्र भारत के अधिकारी हैं, नागरिक है, हम आजाद भारत में रहते हैं। इस महिला की वजह से आज हमारे भारत की स्थिति ये हो गई कि हम अपने ही देश में अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं, हम इस आजाद देश को अपने लिए बड़ा वो समझते हैं कि एक ऐसी औरत आई हमारे देश में, ये हमारे सर पर बैठकर नाच रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, हमारे हाथ बंधे हुए। हमें अपने कानून पर, अपने भारत सरकार पर आंख बंद करके भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे देश की आम नागरिक सपोर्ट करेगी ऐसे घुसपैठिए इनलीगल लोगों को भगाने में। आज मोबिन मलिक सर ने जो किया, हम उनका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक सच्चा नागरिक वो होता है। जिस तरीके से महिला आती है, अश्लीलता फैलाती, गंदगी फैलाती है, खुलेआम वो सारी चीजें करती है जो भी यहाँ की नागरिक भी नहीं है। अगर हमारे देश का ही कोई करता तो हम लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फिर क्यों नहीं भाई एक इनलीगल घुसपैठी आके वो सारी चीजें कर रही है, क्यों नहीं हम उसका विरोध कर सकते। अगर हम विरोध करते हैं, आप जैसे दो चार गुंडे प्रवृत्ति के लोग आके धमकियां देते हैं, तो ऐसे लोग भी नप चुके हैं, ऐसे लोगों की भी लिस्ट जारी हो चुकी है जो इस महिला का सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपने देश में गंदगी फैला रहे हैं, अपने देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, उन सब का नाम जा चुका है। फाइनली सीमा हैदर पर डंडा बज चुका है, अब वो जितना फड़फड़ाती उसे फड़फड़ाने दीजिए। और जो आप लोग सवाल कर रहे हैं सरकारों पे, कानून पे, तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारत सरकार बहुत अच्छा और कानून अपना काम करती है। हमारे योगी जी का बोल्डेजर इस पे जरूर चलेगा, अब योगी जी की नजर में आ चुकी है। जो बार बार ये कानून मोदी जी योगी जी करती है, ये धर्म का नाम लेती है, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है भाई, ये भारत में फंसी हुई है और इसके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि ये कोई और चीज करे, इसकी मजबूरी है, इसकी मजबूरी समझिए आप लोग। जब ये जेल जाएगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जो लोग फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाइए, हो सकता है तो भाई आप उसे प्यार करते हैं, आपको अधिकार, आप पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सच और हक के साथ हम जैसे लोग खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे लास्ट तक। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई प्रेरणा है जो मेरे चैनल के माध्यम से आप रखना चाहते हैं और समाज को कुछ अच्छी दिशा और दशा दे सकती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर रखने की कोशिश करूंगी। अगर आप बिना नाम के, बिना अपनी पहचान के भी रखना चाहते हैं तो भी मैं रखूंगी, और चाहूंगी कि समाज को आपके वीडियो से, आपकी कहानी से कुछ अच्छा मोटिवेशन मिल सके, और बिना आपके नाम के भी मैं उस कहानी को स्टोरी के रूप में रखूंगी। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आज हमारे देश को आप जैसे लोगों की, जो सच्चे अपने देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, बहुत जरूरत है अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी का धन्यवाद।